Good morning, students. In previous class, we started our new chapter in class 7th. That is the sea movements. हमने नया chapter start करा था class 7th में जिसका नाम था sea movements. So today we will continue with this chapter. In previous class, we discussed about the waves, currents, and research for the origins of the currents. ये जो topics हमने cover करे थे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करेंट्स. ठीक है, आज हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करेंट्स. क्या क्या करेंट जो ओशियन करेंट होते हैं, क्या क्या किस तरह से अफेक्ट होते होंगे, किस तरह से वो प्रभावित होते होंगे. द करेंट्स अफेक्ट द क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, फिशिंग इंडस्ट्री एंड रेनफॉल. इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द रीजन ऑफ करेंट्स. में हमने देखा था कि विंड से अफेक्ट हो रहा था, इनका ऑकरेंस हो रहा था, किस तरह से हो रहा था, विंड से हो रहा था, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण हो रहा था, अर्थ जो रोटेट होती है उसकी वजह से हो रहा था, दैट सैलिनिटी ऑफ सी वाटर. तो टुडे जो इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करंट है, किस तरह से ओशियन करंट जो प्रभावित हो रहे, किस वजह से हो रहे, क्लाइमेट में चेंजेस जो आ रहा उसकी वजह से होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी वजह से ओशनिक करंट्स में डिफरेंस आता है, इंडस्ट्री और रेनफॉल की वजह से क्या होता है, डिफरेंस आता है. ठीक है, तो दिस ओशन करंट्स एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन. वार्म करंट रेज द टेम्परेचर व्हाइल द कोल्ड करंट लोअर द टेम्परेचर. अब जैसे कि हमने देखा था कि जो करंट्स होते हैं किस टाइप के होते हैं, करंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के करंट्स होते हैं, वार्म करंट्स होते हैं और कोल्ड करंट्स होते हैं. तो सबको पता है कि वार्म मतलब क्या होता है, हॉट होता है, और कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा. तो जो वार्म करंट्स होते हैं वो टेम्परेचर को क्या करते हैं, राइज करते हैं. वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, राइज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लाइमेट भी कैसा रहता है, बहुत गर्म रहता है. ठीक है, जैसे कि कोस्टल रीजन मतलब कि जो ऐसे एरिया पर कि समुद्र बहुत ज़्यादा हो, जैसे ओरिसा हो गया हमारा, केरला हो गया, इस तरह के जो एरिया होते हैं वहाँ कैसे होते हैं, कोस्टल रीजन होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा वार्म होता है. तो इसकी वजह से जो ओशनिक करंट है वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं. कोल्ड करंट्स में जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है, लोअर रहता है, ठंडा रहता है. तो वो किस तरह से क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं कि जितना भी ओशनिक करंट रहता है, जो करंट फ्लो होना चाहिए वाटर का, वो कोल्ड अमाउंट में फ्लो होता है. देन डैम्स फॉग्स आर प्रोड्यूस बाय कोल्ड एंड वार्म करंट्स मिट टूगेदर. लाइक द फॉग प्रोड्यूस अ न्यू पॉन्ड एंड द रिजल्ट ऑफ मीटिंग द कोल्ड एवर. अब जैसे कि फॉग जो प्रोड्यूस होता है, फॉग मतलब क्या, आपने देखा होगा ठंड के दिनों में जो फॉग रहता है, ऐसा लगता है सब जगह धुआं धुआं है. तो ऐसे क्यों होता है, जब जो कोल्ड करंट और वार्म करंट दोनों आकर क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं या फिर मिल जाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, फॉग क्रिएट हो जाता है. तो इसकी वजह से भी जो करंट है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है. ठीक है, ड्यू टू द वार्म करंट हैबिट्स एट हायर लैटिट्यूड रिमेन ओपन थ्रूआउट द ईयर, एग्जाम्पल द नॉर्थर्न जापान. द वार्म विंड्स फ्लोइंग ओवर वार्म करंट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड द नियर बाय एरियाज रिसीव लॉट्स ऑफ रेनफॉल. जो वार्म विंड होती है, गर्म हवा जो रहती है, वो क्या करती है, जब गर्म हवा चलती है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर जो विंड है एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो करंट भी, जो वाटर का करंट है वो भी क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा. उसी तरह से जब गर्म हवा चलती है तो डायरेक्शन भी कैसा रहता है, एक ही डायरेक्शन रहता है, और वो करंट भी क्या होगा, फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है, और क्या होता है, जिसकी वजह से कि जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बारिश बहुत ज़्यादा गिरने लगती है. तो इस तरह से जो ओशन करंट्स रहते हैं वो अफेक्ट होते हैं. जैसे ओशन करंट्स क्या है, हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन क्लाइमेट. फॉर एग्जाम्पल द यूके हैज रिलेटिवली माइल्ड वेट विंटर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट व्हिच इज एन एक्सटेंशन ऑफ द गल्फ स्ट्रीम. हमने देखा कि क्या क्या ऐसा इफेक्ट होता है, क्लाइमेट से होता है, टेम्परेचर से होता है, इंडस्ट्री से होता है और रेनफॉल से होता है. क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ऐसे होता है क्लाइमेट से होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर अलग अलग देशों में अलग अलग एरिया में क्या रहता है, क्लाइमेट कैसा रहता है, अलग रहता है. जैसे कि हम यूके की बात करें तो यूके में क्या बोला गया है कि वेट विंटर्स, मतलब कि वहाँ पर कैसे रहती है, वेट विंटर्स मतलब कि वहाँ पर बर्फ गिरती रहती है, ठंड के दिनों में क्या होता है, बर्फ गिरती रहती है, जिसकी वजह से जो अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक रहता वो क्या होता है, अफेक्ट होता है,
और जिसके हम देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल जो रहती है बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉल होती है. ठीक है, देन विंड्स ब्लोइंग ओवर दिस करंट आर बॉर्न बाय इट सो कैन अब्सॉर्ब मोर मॉइस्चर. अब जैसे कि जब हवा जो चलती है वो तेज चलती है तो जिसकी वजह से जो करंट रहता है वो भी कैसा रहता है वाटर का, वो भी कैसा रहता है, गर्म रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या रहता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ रेनफॉल. तो जो ओशन करंट होता है वो इन तीन चीजों से अफेक्ट होता है, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, फर्स्ट वन इज क्लाइमेट, टेम्परेचर, इंडस्ट्री एंड रेनफॉल. दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द ओशन करंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एंड करंट्स. अब हम देखते हैं कि डिफरेंस, हमने देख लिया था कि वेव्स और करंट्स क्या होते हैं, वेव्स क्या होती है और करंट्स क्या होती है. वेव्स में हमने देखा था कि जो बड़ी बड़ी जो लहरें होती है वो क्या करती है, अप डाउन करती, मूव करती अप एंड डाउन में, और जो करंट्स क्या होती है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में करती है. और जैसे वेव्स क्या होती है, हमने देखा था कि इसका कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता, ये किसी भी लहरें जो रहती है वो किसी भी डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, पर जो करंट रहता है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है. तो वी कैन सी द डिफरेंस दैट इन केस ऑफ वेव्स द सी वाटर राइजेस अप एंड डाउन इन इट्स ऑन प्लेस. हमने क्या देखा था, वेव्स में लहरें कैसी होती है, ऊपर नीचे होती है, लहरें जो रहती है मूव कैसे करती है, अप एंड डाउन करती है, हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरे को क्या कर रही है, पुश कर रही है, बट एक्चुअल में क्या होती है वो अप एंड डाउन में उनका मूवमेंट होता है. और हमने देखा था कि जो अप एंड डाउन हाई वेव्स जो रहती है उसका हमने क्या लगता है, क्रस्ट बोला था, और जो लो वेव्स राइज करती है उसका हमने क्या लगता है, ट्रेंच बोला था. अगर हम इसमें देखें करंट्स में, इन केस ऑफ करंट्स द वाटर इज शिफ्टेड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर. हमने पढ़ा था करंट्स में कि वाटर कैसा रहता है, करंट कैसा रहता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और हजारों किलोमीटर तक क्या करता है, चले जाता है, ड्रिफ्ट कर लेता है. द डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द वेव्स आर नॉट डेफिनेट. हमें पता है कि वेव्स कैसी करती, मूव करती अप एंड डाउन, तो उसका जो डायरेक्शन रहता है एक जगह नहीं होता, क्योंकि वो क्या कर रही है, बहुत ही तेज क्या कर रही है, फास्टली क्या कर रही है, मूव कर रही है अप एंड डाउन, जिसकी वजह से वो एक ही डायरेक्शन में नहीं बहती है, वो हर एक डायरेक्शन में बहती है, चारों डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है. बट करंट क्या होता है, इनका जो मूवमेंट रहता है वो एक जैसा ही होता है, उनका डायरेक्शन एक जैसा. अगर वो राइट साइड में मूव कर रही है तो राइट साइड में जाएगी, स्ट्रेट जाएगी तो स्ट्रेट ही जाएगी, मतलब कि इनका डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, जिसकी वजह से क्या करती है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में क्या कर लेती है, ड्रिफ्ट करती है. द वेव्स अकरिंग ड्यू टू अर्थ एंड वॉल्केनिक इरप्शंस एक्सट्रैक्टिव एग्जाम्पल सुनामी. हमने देखा था जो वेव्स रहती है वो क्या होती है, नेचुरल कैलामिटी की वजह से क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट हो जाती है. जैसे कि हमने सुनामी का एग्जांपल लिया था, सुनामी क्या होती है, हमारे 2000 इंडिया में 2004 में आया था सुनामी, मतलब जगह जगह क्या होती है, पूरा ही पानी रहता है. किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या फिर वोल्केनो जो इरप्ट हो जाता है उसकी वजह से हमें ये सुनामी देखने को मिलती है. तो जो वेव्स रहती है वो क्या करती है, जो वेव्स द वेव्स अकरिंग ड्यू टू अर्थ एंड वॉल्केनिक इरप्शंस आर डिस्ट्रक्टिव. इसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारे ये डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाता है. द करंट्स आर नेबल क्वाइट डिस्ट्रक्टिव एंड इट फ्लोज वेरी कामली. ये जो रहती है कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं होती, मतलब कि कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं होती, इसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ये बहुत ही आराम से क्या करती है, फ्लो करती है. ठीक है, वेव्स आर सीन ऑन द अपर ऑफ द वॉटर, करंट्स कैन बी सीन सरफेस फ्लोइंग डिस्ट्रक्टिव. हम वेव्स को पानी के ऊपर से देख, पानी जो रहता है उसकी अपर सरफेस से हम देख सकते हैं. कभी आपने देखी होगी लहरें, बड़े बड़े जो समुद्र की जो जिस तरह से लहरें आती है आपने देखी होगी, तो कैसे रहती है, अपर ऑफ द वाटर रहती है, पर जो करंट रहता है, करंट कैन बी सीन सरफेस फ्लोइंग डिस्ट्रक्टिव. पानी की जो सरफेस रहती है उसी के सहारे वो धीरे धीरे क्या होती है, फ्लो होती है. तो क्या है अगर डिफरेंस, पहले तो ये कि जो वेव्स रहता है अप एंड डाउन राइज मूवमेंट करता है, करंट्स का क्या होता है कि ड्रिफ्ट करता है अक्रॉस किलोमीटर्स में, थाउजेंड किलोमीटर्स में. सेकंड जो हो गया वेव्स और करंट का, कि वेव्स जो रहती है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं रहती है और करंट जो रहती है डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहती है. थर्ड डिफरेंस क्या हो गया कि ये अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन के कारण डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्टिव कॉज करती है, जैसे कि एग्जाम्पल सुनामी.
पर जो करंट रहती है किसी भी तरह का अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन के कारण किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं होती है, कामली मैनर में क्या करती है, फ्लो होती है। लास्ट बार हमने देखा कि जो वेव्स रहती है सरफेस ऑफ द वाटर जो रहता है, अपर सरफेस जो रहता है पानी का, उस पर क्या करती फ्लो होती है, जबकि जो करंट होते हैं वो कैसे होते हैं, जो सरफेस होता है वाटर का उसके साथ क्या करती है, फ्लो करती है। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, डिफरेंस बिटवीन वेव्स एंड करंट्स। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी मूवमेंट, दैट इज टाइड्स। टाइड्स क्या होता है? टाइड्स वो होती है, द सी वाटर राइजेस एंड फॉल्स ट्वाइस इन 24 आवर्स, द वाटर एंटर्स द शोर्स फॉर अ फ्यू आवर्स एंड देन रिसीड्स ग्रेजुअली, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। द राइजिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाई टाइड एंड द फॉलिंग ऑफ वाटर इज लो टाइड। टाइड क्या होता है? जो 24 घंटे में दो बार क्या करती है, फॉल होती है। जो सी समुद्र का पानी 24 घंटे में दो बार क्या होता है, फॉल होता है, और किसकी वजह से होता है, बिकॉज जो पानी का जो शो पानी जो रहता है, जो लहरें जो उठती है उनमें क्या होता है, ग्रेजुअली क्या होती है, वो टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइड्स फॉल होता है। और किसकी वजह से होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सन और मून के थ्रू होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, टाइड्स कॉज करते हैं। और जो राइजिंग ऑफ वाटर मतलब कि पानी का उठना क्या कहलाता है, हाई टाइड, और पानी का बैठना क्या कहलाता है, लो टाइड। ठीक है, जो टाइड को हम हिंदी में बोलते हैं ज्वार। तो सी वाटर राइजेस एंड फॉल्स, ऐसा सिर्फ समुद्र का पानी जो कि 24 घंटे में क्या करता है, दो बार उठता है और दो बार नीचे गिरता है, उसको क्या बोला गया है, टाइड्स बोला गया है। बट द सन एंड द मून अफेक्ट द अर्थ एंड अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से अर्थ है और सॉरी जिसकी वजह से जो सन है और मून क्या है, आपस में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं, अर्थ को, पृथ्वी को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सन और मून अफेक्ट करते हैं। किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशन फोर्स यू विल स्टडी इन योर हायर क्लास। ठीक है, द रोल ऑफ द मून इज मोर सिग्निफिकेंट इन क्रिएटिंग टाइड्स। जो टाइड्स जो क्रिएट करता है, इसका ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल कौन किसका है, मून का है, क्योंकि जो सन रहता है वो कैसा रहता है, स्मॉलर रहता है, इट इज मच नियरर टू द अर्थ एंड इट्स फोर्स इज द अट्रैक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सन। जो मून रहता है वो कहीं ना कहीं टाइड को क्या करता है, क्रिएट करता है, जो सन रहता है उसका इतना सिग्निफिकेंट अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो सन रहता है वो कहीं ना कहीं अर्थ के क्या होता है, मून के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं पास होता है, जिसकी वजह से ये इतना अफेक्ट अर्थ को नहीं करता है। ठीक है, तो टाइड क्या होता है, जो पानी का गिरना पानी का बैठना 24 घंटे में से दो बार, उसको बोला गया है टाइड। टाइड भी जो रहते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, स्प्रिंग टाइड और नीव टाइड। वॉट आर द टाइप्स ऑफ द टाइड, स्प्रिंग टाइड एंड नीव टाइड। तो स्प्रिंग टाइड क्या होता है, स्प्रिंग टाइड अकर्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन एज वेल एज द मून। जो स्प्रिंग टाइड होता है ये भी किस पर बेस्ड है, सन और मून पर। क्यों है, ऑन अ फुल मून डे द सन द मून एंड द अर्थ ऑल थ्री आर इन अ स्ट्रेट लाइन। जब पूरा जो मून रहता है ऑन अ फुल मून डे, मतलब कि जो चंद्रमा होता है अगर वो फुल होता है, पूरी तरह से उसका जो स्ट्रक्चर रहता है पूरा गोल होता है, तो क्या होता है उस समय पर, सन मून और अर्थ ये दोनों क्या होते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, जिसकी वजह से एक सीधी लाइन कॉज होती है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये फुल मून है, फुल मून जो है वो अर्थ के, अर्थ और सन, और ये जो मून है ये तीनों क्या कर रहे हैं, आपस में टकराते हैं, तो ये क्या करते हैं, सीधी लाइन को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। ड्यू टू कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, टाइड्स ऑन दिस डेज आर हाई, जिसकी वजह से इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है, इन दोनों मून और जो सन का कॉम्बिनेशन क्या रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है वो हाई अमाउंट में रहता है, जिसकी वजह से जो टाइड रहता है उस समय में कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। सच टाइप ऑफ टाइड इज नॉन एज स्प्रिंग टाइड। इस तरह के टाइड्स को क्या बोला गया है, स्प्रिंग टाइड। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टेक्ट ऑफ सन एंड द मून जब हायर अमाउंट में होता है तो क्या होता है, स्प्रिंग टाइड होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्प्रिंग टाइड इन अ मंथ। दो तरह के स्प्रिंग टाइड हमें एक महीने में देखने को मिलते हैं, वन इज फुल डे एंड अदर इज न्यू मून डे। दूसरा हमें किसे एक टाइप में हमें फुल मून देखने को मिलता है, दूसरे टाइप में हमें न्यू मून देखने को मिलता है। तो ये होता है स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड मतलब कि स्प्रिंग टाइड अकर्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन एज वेल एज मून ऑन अ फुल मून डे, द सन द मून एंड द अर्थ।
जब फुल मून डे होता है तो सन मून और अर्थ क्या होते हैं, तीनों एक साथ ही स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, चलते स्ट्रेट लाइन में के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से क्या कंबाइन होता है, ग्रेविटेशनल पुल कंबाइन होता है और इस दौरान क्या होता है, हायर अमाउंट में स्प्रिंग टाइम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और टाइम विद द रेंज विद द लार्ज रेंज दैट अकर्स टू टाइम्स अ मंथ, न्यू मून एंड फुल मून, जो कि दो एक ही मंथ में दो समय पर हमें मून देखने को मिलता है, एक न्यू मून और एक फुल मून। सन अर्थ एंड मून आर इन अ स्क्वायर लाइन पोजीशन कॉल्ड सिज़ी। जब सन अर्थ और मून एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो इसको क्या बोला है, सिज़ी। ठीक है, तो ये होता है स्प्रिंग टाइड। न्यू टाइड क्या होता है, न्यू टाइड हम देखते हैं, न्यू टाइड क्या होता है, When the gravitational pull of the sun and moon are right angles to the earth under the force of attraction, जब इनका पोजिशन कैसे होती है, राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री, स्ट्रेट ना होते हुए किस पोजिशन पर रहती है, 90 डिग्री की पोजिशन पर रहती है, एट द फोर्स ऑफ एट्रेशन अपोजिट टू ईच अदर रिजल्टिंग स्मॉल राइज ऑफ ओशन वाटर, जो कि इसमें क्या होता है, हायर अमाउंट का जो टाइड होता है वो अकर नहीं होता है, किस तरह का टाइड अकर होता है, लोअर अमाउंट का। Nip tide happens twice a month, that is when moon is in first and third quarter or the 8th day after full moon and 18th day after the moon. You can see in picture, a tide of minimum ranges that occurs during the first and third quarters of the moon. मतलब कि जिसमें भी ranges कितनी होती है, minimum होती है, और इस तरह का tide हमें कब देखने को मिलता है, the first and the third quarter of the moon. मतलब कि फर्स्ट डे मून का या फिर जो तीसरा टाइम थर्ड डे जो मून का होता है उस समय हमें ये इस तरह का न्यूक्टाइड देखने को मिलती है। द सन अर्थ एंड मून फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल। न्यूक्टाइड में जो सन मून और अर्थ रहते हैं वो किस तरह का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो टाइड क्या होता है, टाइड मतलब कि सी वाटर राइज करती 24 आवर्स में 2 टाइम्स, फिर हम इसके टाइम देखें स्प्रिंग टाइड और न्यूक्टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जिसमें कि अर्थ मून और सन जो रहता है वो किस पोजीशन में फॉर्म होते हैं, स्प्रिट पोजीशन में फॉर्म होते हैं, तब जाके क्या होता है, स्प्रिंग टाइड फॉर्म होता है। और न्यू टाइड जो रहता है उसमें पोजीशन कैसे होती है, 90 डिग्री एंगल की पोजीशन होती है, और ये तब हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून। अब एडवांटेजेस क्या है इसके, एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स में एट द टाइम ऑफ हाई टाइड the depth of the water near the coast increases and enables hydroelectricity can be generated through tides. Tides से जो hydroelectricity होती है, मतलब कि जो बिजली होती है पानी के थ्रू, जो बिजली होती है वो किसकी से बनती है, tides से। Second is the tidal waves wash away the debris, keep the harvest clear of the refuse and mud brought down by the river and prevent the harvest from being silted. जो टाइडल वेव्स रहती है, जो टाइड्स की वेव्स रहती है, जो टाइडल वेव्स रहती है वो क्या करती है, जितने भी आसपास मतलब कि सी वाटर में जितने भी डेब्रिस रहती है, जितनी भी मडीनेस रहती है, उसको क्या करती है, अलग कर देती है, क्लीन कर देती है। तो टाइड का ये एडवांटेज है कि ये क्या करती है, जितनी भी गंदगी रहती है उसको क्या करती है, ऑटोमेटिकली अपने आप नष्ट कर देती है, डैमेज डिस्ट्रॉय कर देती है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रहती है उससे के थ्रू भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड थ्रू टाइड्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी टाइड्स के थ्रू जनरेट होती है। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सी, हमने इस चैप्टर में देखा कितने टाइप्स के सी मूवमेंट्स होती है, वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स। विद स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन ऑन द सर्फेस, ओशन करंट्स मतलब कि जो बड़ी बड़ी लहरें एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है उसको हमने क्या बोला, ओशन करंट्स। ठीक है, फिर हमने ड्यू टू और ओशन करंट्स से हमने देखा कि किस तरह से अफेक्ट होती है, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल और इंडस्ट्री की वजह से अफेक्ट होती है। और जो करंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वार्म और कोल्ड करंट्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने टाइड्स में देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टाइड, लीफ एंड स्प्रिंग टाइड। सो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड, टुडे वी कम्प्लीटेड अवर दिस चैप्टर, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इन क्लास 7। थैंक यू।